हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक समोल और मेरे पास एक आया था नोकिया का 110 मॉडल TA1302। ये आपका है मॉडल TA1302। दोस्तों, इसमें था ब्लैंक डिस्प्ले का प्रॉब्लम। जब मैं सेट जब मैं ऑन करता था तब ओनली आपका ये जो कीपैड का लाइट है ना, ये लाइट जल रहा था। ओनली ये कीपैड लाइट जल रहा था और डिस्प्ले पूरा ब्लैंक था, ग्राफिक्स भी नहीं आ रहा था, पूरा ब्लैंक था। ये ओनली ये लाइट जल रहा था, ठीक है। तो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया देखिए, पहले मैं आपको ऑन करके दिखा दे रहा हूँ, आपका अभी ठीक हुआ या नहीं थोड़ा चेक कर लेते हैं। ठीक है, सब कुछ ओके है। अभी आपका डिस्प्ले भी अभी आ चुका है, देखिए पूरा ओके। देखिए जम्पर कहाँ लगाया मैं, पहले आप पीछे का पॉइंट देख लीजिए। यहाँ पर एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर के साथ ये जो पॉइंट है ना, इसको भी आपको कवर करना है। ये कैपेसिटर के साथ ये पॉइंट को कवर करके लाना है आपको, इस यहाँ पर जम्पर लगाना है LED में। कैपेसिटर साथ ये पॉइंट को कवर करके यहाँ पर, और चलते हैं डिस्प्ले साइड में। डिस्प्ले साइड में दो जम्पर लगाया हूँ, एक ये वाला साइड से ओके, ये वाला साइड से आपका दो नंबर को देखिए पीछे में जम्पर लगाया हूँ, ये पीछे इस पॉइंट पर, ये दो नंबर ट्रैक मेरा मिसिंग था, इस साइड से सेकंड वाला, और उस साइड ये वाला साइड से भी आपको था सेकंड वाला। देखिए यहाँ पर मैं सोल्डिंग लगाया हूँ, यहाँ पर पहले वाला आपका आ गया ग्राउंड, उसके बाद वाला ये वाला, और ये वाला को आप ट्रैक को चेक करना है, जम्पर लगाना है और पीछे का साइड जम्पर लगाना है ओके। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।